धर्म का संचय, अर्थ का संचय और काम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। काम का अर्थ होता है हमारी जो कामना होती है, एक एक सत कामना। यहां पर कामना शब्द दो अर्थों में प्रयोग होता है, एक अच्छे कामना एक बुरी कामना। अच्छी कामना धर्मयुक्त होती है, बुरी कामना अधर्मयुक्त होती है। और एक अर्थ होता है एक अनर्थ होता है। तो धर्म युक्त जो साधन होते हैं, रुपया पैसा होता है धर्म पूर्वक जो अर्जित किया जाता है उसको अर्थ कहते हैं, और अधर्म पूर्वक जो साधन किया जाता है, अधर्म पूर्वक जो साधन इकट्ठा करते हैं उसको अनर्थ कहते हैं। मनुष्य जीवन की जरूरतों को यदि कम से कम शब्दों में कोई पूछे कि आप बताओ, सारी जरूरतें आ जाएं, मनुष्य जीवन की सारी जरूरतें आ जाएं, और कम से कम शब्दों में बतानी है ये बात, तो उनको हम चार शब्दों में बोल सकते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसमें सब जरूरत आ गई। रुपया पैसा अर्थ कहलाता है, और कामना जो होती है एक एक कामना उसको काम कहते हैं, और धर्म का मतलब जरूरत होती है कुछ डिवाइन जो हम व्यवहार करते हैं ना, तो इसमें केवल पैसा से और अपनी इच्छाओं की पूर्ति से काम नहीं चलता है, हमें धैर्य की भी जरूरत होती है, हमें पेशेंस टॉलरेंस संयम और शांति की जरूरत होती है, और अच्छी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, दूसरे के साथ सद्भाव में रहें इसकी जरूरत होती है। तो इन सब गुणों को ही धर्म कहते हैं। तो ये अलग चीज होगी ना, रुपया पैसा से अलग चीज होगी। और जैसे हमारी इच्छा पूर्ति की, मेरे को एक नौकरी चाहिए, नौकरी मिल गई तो ये तो कामना की पूर्ति हुई, आपने कोई इच्छा की और वो पूर्ण होगी तो ये काम की पूर्ति है। लेकिन इससे ये जो मैंने दूसरी चीजें बताई कि ये मनुष्य जीवन में केवल मात्र हमारे को इतना नहीं कि भाई रुपया पैसा खूब हो तो बस अब किसी चीज की जरूरत नहीं, ऐसा कोई आदमी नहीं बोल सकता है। रुपया पैसा मिल गया, नौकरी मिल गई, वो चाहता था कि नौकरी मिले, नौकरी मिल गई, पर इतने मात्र से क्या आदमी का जीवन पूर्ण हो जाता है या जीवन उसका पूरा वो हो जाता है, कहना चाहिए कि अब उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, क्या ऐसा कोई व्यक्ति सोच सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे चलते चलते किसी ने हमारे को हमारा अपमान कर दिया तो रुपया पैसा काम नहीं आता उस समय, उस समय समझ काम आती है, उस समय सहन शक्ति काम आती है। आदमी सोचेगा, समझ होगी तो सोचेगा ठीक है जितना इसकी समझ थी इसने व्यवहार कर दिया, छोड़ो, इग्नोर कर देगा वो, और नहीं तो उलझ जाएगा। और उलझने के लिए कदम कदम पर इस दुनिया में हमारे लिए रास्ते खुले रहते हैं, और सुलझने के लिए हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। दुनिया में कहीं किसी के साथ कोई उलझ जाए, अपने घर में भी हम उलझ सकते हैं, बाहर वालों की तो बात छोड़ो, और उलझते ही हैं जब समझ नहीं होती है ना। समझ जब ठीक नहीं होती है, कम होती है, तो घर में भी उलझते ही रहते हैं। ऐसे लोग भी मैंने देखे कि खूब पैसे हैं पर आपस में रहना नहीं जानते, कैसे रहें, बहुत कष्ट में रहते हैं, बहुत परेशानी में रहते हैं, माने एक दूसरे का आदर करना नहीं जानते, एक दूसरे का सम्मान करना नहीं जानते, सहन करना भी नहीं जानते हैं, और दूसरा कोई हमारे साथ अपव्यवहार करे तो उसको व्यक्तिगत स्तर पर, देखो सामाजिक स्तर पर कोई किसी का अपमान करता है तो उसका तो हमें प्रबंध करना ही होता है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर कोई व्यक्ति किसी का अपमान करे तो वहां सहन करने की जरूरत होती है। ये जैसे कोई किसी
बहन बेटी के साथ कोई अपव्यवहार करे तो ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये एक सामाजिक मामला है। व्यक्तिगत मामले में जैसे हमारे को किसी ने बुरा भला कह दिया, हमारे को किसी ने अच्छा नहीं समझा, छोटी छोटी बातों में आदमी इतनी बड़ी बातें बना देते हैं, उसके पीछे कुछ वो नहीं होता है। मैंने तो अपने जीवन में स्वयं खूब अनुभव करके देखा है। एक लड़का जूस पी रहा था, सच्ची घटना बता रहा हूँ, दूसरा यार उसने कहा गया एक तरफ हो जा, तो उसने कहा कि ऐसे कैसे बोलता है, तू तू मैमा हो गई, और उसने कहा कि एक तरफ आ मैं तेरे को बताता हूँ। उसका पिता कर्नल था फौज में और अकेला लड़का था, और वो जाकर के सड़क पर खड़ा होगा, बिगाड़ मेरा क्या बिगाड़ेगा। दूसरे व्यक्ति ने जिसके पास गाड़ी थी उसने उसके ऊपर चढ़ा दिया। क्या क्या बात थी, ये छोटी सी बात थी, वहीं पर मर गया जवान लड़का। तो इसके परिणाम क्या होंगे, केवल इसमें सहन न करने के कारण से ऐसा हुआ। मतलब वो कि उसने कहा कि एक तरफ हो, और वो भाई एक तरफ हो जाते हैं ठीक है, इधर हो जाते हैं क्या बात है, थोड़ा सा यूं भी कह सकता था भाई, आराम से भी बोल सकते हो ये बात, ऐसे बोल सकता था वो। यदि समझ हो ना तो आदमी ऐसे जवाब देगा, अभी भाई हम तो इधर हो जाते हैं क्या बात है, इसको इस बात को आप आराम से भी कह सकते हैं। फिर भी वो और ज्यादा भी चढ़ सकता है, जब हम थोड़ा सा नम्र होते हैं ना तो दूसरा व्यक्ति और ज्यादा हमारे पर आक्रामक हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम सहन करने वाले के लिए कहा जाता है, दुनिया उसके लिए एक ही ब्लेम लगा सकती है सहन करने वाले के लिए कि कमजोर है ये आदमी। सहन करने वाले के लिए दूसरा इल्जाम नहीं लगने को मिलेगा, केवल एक ही इल्जाम लगता है कि ये आदमी कायर है या कमजोर है, इस तरह की बात कही जाती है। तो ये सब बातें कहां से मिलती हैं, आप विचार कीजिए, ये अंडरस्टैंडिंग से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो पैसे ने क्या काम किया, कुछ नहीं करेगा पैसा तो, इसलिए कहते हैं कि धर्म की भी जरूरत है, पैसे की भी जरूरत है, और अपनी कामनाएं भी जीवन में होती हैं। मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता है कि उसकी कोई इच्छा ही ना हो। और एक चौथी स्थिति भी जीवन में करते करते एक वो स्थिति की भी जरूरत होती है, अब किसी चीज की जरूरत नहीं। मतलब पहले तो तीन चीजों की जरूरत होती है, धर्म की जरूरत, पैसे की जरूरत, और इच्छाओं की पूर्ति की भी जरूरत होती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जीवन में उसकी भी जरूरत होती है कि भाई अब सब संसार देख लिया, और अब जो है जैसे आप रिटायर हो जाते हो, सारे काम काज करके अपने पुत्र पुत्रियों की शादी कर देते हैं, सब निश्चिंत हो जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि आपके अंदर ये भी स्थिति आनी चाहिए कि अब मुझे ये जरूरत है, अब मेरी ये मांग है कि मुझे अब कोई कुछ भी नहीं चाहिए किसी से। ये भी जीवन की एक अंतिम जरूरत है कि मुझे अब किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। अभी मैं नहीं बोल रहा हूं आपको, अभी तीन चीजों की साधना करनी चाहिए जिस स्थिति में आप गुजर रहे हैं, धर्म, अर्थ और काम, इन तीन चीजों की साधना करनी होती है। और ये ठीक ठीक तीन चीजों की साधना हो जाती है, वही व्यक्ति फिर आगे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में मोक्ष की साधना कर सकता है। जिस व्यक्ति ने इन तीन चीजों की ठीक साधना नहीं की, धर्म की साधना के लिए व्यक्ति को योगी होना होता है या सेवक होना होता है, धर्म की साधना योगी होकर या सेवक होकर, भोगी होकर के, भोगी इस दुनिया में ना धर्म की साधना कर सकता है न अपनी कामनाओं को ही पूरा कर सकता है। भोगी कभी भी, देखिए भोग कभी भी अंतिम रूप में हमारे को फुल स्टॉप नहीं लगता है। अपने अपने अनुभव देखिए, मेरी बात क्यों मानते हो आप, जो है अपने अपने भीतर निहार कर देखिए कि भोग कभी भी ये नहीं,
भोग का मतलब ये होता है कि उसकी जिसकी कभी पूर्ति ना हो, प्रवृत्ति तो हो पर जिसमें पूर्ति ना हो। भोग की परिभाषा ही ये की जाती है कि भोग में प्रवृत्ति तो होती है पर इसकी पूर्ति नहीं होती कभी भी। तो हमारी धर्म अर्थ और काम की साधना, जीवन के 60 साल तक धर्म अर्थ काम तीन चीजों की साधना करनी होती है, 60 साल के बाद फिर मोक्ष की साधना शुरू होती है। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि धर्म अर्थ काम की साधना जो ठीक करते हैं वही मोक्ष की साधना करने में सक्षम हो पाते हैं। जिन्होंने धर्म की साधना नहीं की, अर्थ और काम की साधना नहीं की, अर्थ और काम की साधना का मतलब ये नहीं होता है कि भाई शादी कर लो, बच्चा पैदा कर लो, ये काम की साधना, ऐसा नहीं, इतना मात्र नहीं है। देखिए, एक धर्म होता है, एक अधर्म होता है। उल्टे विपरीत शब्दों से भी हमको अर्थ समझने में सुविधा होती है। किसी शब्द का समझना, अर्थ समझना हो तो कभी कभी विपरीत शब्द को भी सामने रख करके समझना होता है। एक धर्म शब्द है, एक अधर्म शब्द है, एक अर्थ है, एक अनर्थ है, एक काम है, एक दुष्ट काम है। धर्म का मायने अभी मैं बोल रहा था, धर्म के मायने कोई पूछे तो धर्म मानी सहन करना, धर्म मानी क्षमा करना, धर्म मानी इंद्रियों का संयम करना। अभी देखो, आप ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, आपसे कोई पूछे तो फिर ऐसे बताना है। वो हम छोटे थे जब माताओं की बात सुनते थे हरियाणा राजस्थान में ना, माताएं बेचारी, हे वीरा बहुत अच्छी अच्छी बात बताई आज तो। फिर वो कोई दूसरा व्यक्ति कहता, के बतायो अच्छी, के बताया, क्या बताया मतलब? तो वो कहती, बताई तो थी अच्छी अच्छी पर मेरे तो कोने याद। तो हमारे को याद भी करना चाहिए कोई चीज। जैसे आप लोगों को अब इतनी, मेरे को स्वामी जी बोले कि 2 बजे से और 4 बजे तक उनकी क्लास लेनी है। फिर मैं बोले क्लास तो मैं ले लूंगा, पर वो फिर ऐसा ना हो कि मैं तो क्लास लूं और बाद में उनसे पूछे आज क्या क्या पढ़ा कर गए। भाई बड़ी अच्छी अच्छी बात बताई आज तो, बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। क्या बताया? कुछ तो बताया होगा। भाई ये तो नहीं पता क्या बताया, पर बात बहुत अच्छी अच्छी बताई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें याद भी करना होता है। तो धर्म क्या है? बहुत सारे शब्द मैंने बोले ना आपके सामने, योग क्या है, भोग क्या है, सेवा क्या है, कितने सारे शब्द बोलता जा रहा हूं। इन शब्दों का संकेतार्थ आपको पता होना चाहिए। जैसे हम कहें खंबा क्या होता है तो आप बता सकते हो ना कि ये खंबा, इसको खंबा कहते हैं ये जो दिखाई दे रहा। कोई पूछे गाय क्या होती है तो आप बता देते हो ना। छोटे बच्चों को मैंने देखा, उससे ट्रेनिंग देते हैं तो उसको एक एक अंग के साथ इशारा करके पूछते हैं ये क्या है, तो वो कहेगा अंगुली। फिर दूसरी चीज पूछेंगे ये क्या है, तो वो कहेगा अंगूठा। ये क्या है, तो वो कहेगा हाथ। ये क्या है, कोहनी। ये क्या है, मस्तक। ये क्या है, नासिका। एक एक चीज को आजकल अंग्रेजी में सिखाते हैं, हिंदी जानने वाले हिंदी में सिखाते हैं, कोई दूसरी भाषा जानता है तो वो दूसरी भाषा बोलता है। ये क्या है, ये क्या बात, बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं ना, तो वो बच्चे अच्छे माने जाते हैं जो माँ बाप को वैसे ही सुनाते रहते हैं। माँ बाप को कम मेहनत करनी पड़े और अच्छा फटाफट सुनाता चला जाए तो आप लोग कहते हो ना कि बच्चा हमारा बड़ा तेज है। तो ऐसे ही कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं और आप उन बातों को यदि ध्यान से सुनेंगे तो ये आपके व्यवहार की बातें हैं। ऐसा नहीं कि ये बातें कोई नई, जैसे हम लोग, एक हमारे डॉक्टर साहब थे, उनसे मेडिकल ये एनाटॉमी वगैरह के बारे में कुछ मैं
गुरुकुल में जब खानपुर में था तो उनको बुलाते थे, बड़े सत्संगी थे वो, बड़ा रस लेते थे, बड़े अच्छे अध्यापक थे, अभी तो बेचारे रहे नहीं, तो वो हमको पढ़ाते थे। समस्या ये होती कि वो जो शब्द बोलते थे वो याद ही नहीं रहते। फिर मैं कहता कि डॉक्टर साहब ये बातें तो सारी समझ में आ जाती हैं जब आप बोलते हो, लेकिन आप जब यहां से इस पाठ को चैप्टर को खत्म करते हो तो ये सारे नाम घुल मिल जाते हैं। आप अलग अलग नाम बोलते हो तो वो नाम ही याद नहीं रहते हैं, ये बड़ी समस्या है। बोले हम मेडिकल साइंस पढ़ रहे थे, हमारे को भी ये समस्या आती थी, बड़ा याद करते थे हम उन चीजों को। तो देखो ये समस्या तो है, पर ये अप्रचलित शब्द नहीं है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं ना। पहले सुने हुए शब्द यदि हमारे को उनके बारे में कोई चर्चा होती है, कुछ अप्रचलित शब्द मैं बोलूं, जैसे योग दो प्रकार का होता है और एक योग का नाम संप्रज्ञात है, दूसरे का नाम असंप्रज्ञात। अब आपने आज तक सुने नहीं ये दो शब्द, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो मैं अपेक्षा नहीं करूंगा कि आप इसको सुनाओ जी, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात क्या होता है। आपसे मैं ऐसी आशा नहीं करूंगा कि मैंने तो योग के बारे में बताया था कि संप्रज्ञात असंप्रज्ञात दो प्रकार का योग होता है, लेकिन योग शब्द तो आप निरंतर सुनते चले जा रहे हैं, धर्म शब्द भी सुना है। अभी ये जो शब्द हैं ये नए शब्द मेजे लगते हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा नहीं करता कि भाई पांच कोश होते हैं उनको बताओ। तो वैसे तो अन्न सुना है, पर अन्न मय, अन्न के साथ मय जोड़ करके और फिर ये एक नया सा शब्द बन गया, तो हो सकता है कि आपको याद न रहे। अन्नमय, प्राणमय, मय तो सबके साथ जुड़ रहा है। मय का अर्थ होता है जिसमें वही चीज हो बिल्कुल, जैसे ये आदमी तो कहते हैं योगमय हो रहा है, मन इसके जीवन में योग योग घटित हो रहा है, योगमय। ये आदमी भोगमय जीवन जी रहा है, भोग ही भोग इसका जीवन का टारगेट हो रहा है। मैं शब्द सबके साथ जुड़ रहा है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो हो सकता है कि सुने हुए शब्द भी तरतीब वाइज आप नहीं बता सको, उसमें यदि मैं क्रम पूछने लगूं इसमें सीरियल वाइज बताने पड़ते हैं। सबसे पहले अन्नमय कोश है, फिर हमारा प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश है, फिर विज्ञानमय है, आनंदमय है, इसके बाद आत्मा का नंबर आता है, इन सब के अंदर आत्मा का वास है, इन पांच कोशों के भीतर आत्मा है, ऐसा ये बताया जाता है। ये मैं पर कभी तो शुरुआत करनी पड़ती है जब मैं आपको सुनाऊंगा, और अभी तो स्वामी जी ने मेरे को ऐसे बोल दिया कि इनको रोजाना एक घंटा, आज तो बोले दो घंटा लेना है और कल से फिर बोले सवा तीन से सवा चार एक घंटा, तो रोजाना हम साथ साथ रहेंगे। अब तो आनंद लेकर के यहां पर बैठना है, अब आपको जो है बोर नहीं होना। एक तो अगर ये तो अच्छे भाई एक उसमें फंसे, इससे तो अच्छी ड्यूटी देना ही था, वहां पर अपने बात करते रहते, अपने बोलते रहते और वो करते रहते, गपशप लड़ाते रहते, और अब चुप होकर के यहां बिल्कुल पूरे दिन सुबह से शाम तक। लेकिन इसको आप सौभाग्य समझिए, भगवान की कृपा समझिए। किसी घटना को जब हम पॉजिटिव लेते हैं तो बड़ा आनंद आ जाता है, और बंधन महसूस करते हैं तो वही घटना हमें कितनी भी अच्छी हो तो परेशानी पैदा करती है। तो आप बंधन महसूस करते हुए और यहां पर ना बैठे, एक तो मैं ये निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारी जो आदतें होती हैं उसके अनुसार हमारे को अच्छा और बुरा लगता है। एक दिन मैं बताऊंगा आपको कि ये प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है, कभी मौका आएगा ना तब बताऊंगा कि ये प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है। हमारी आदतों के अनुसार हमें अच्छा बुरा लगता है। जैसे एक वाइन पीने वाले को वाइन अच्छी लगती है, ना पीने वाले को बिल्कुल खराब लगती है। स्मोक करने वाले को कितना अच्छा लगता है, उसके बिना रह नहीं सकता है, और वो दूसरे व्यक्ति को पास में बैठना भी मुश्किल हो जाता है। मानी इतनी बड़ी, जैसे यहां पर एक कोई सिगरेट का या बीड़ी सिगरेट कोई धुआं एक बार छोड़ दे
पूरे वातावरण में पता लग जाता है, पर वहां बस रात दिन जो पीते रहते हैं वहां कोई फील ही नहीं करता है। तो चीजें जो होती हैं हमारे अभ्यास के अनुसार अच्छी और बुरी हमको लगती है, पर हमें अपने गलत अभ्यासों को ठीक करना होता है जीवन में। गलत अभ्यास भी लग जाते हैं हमारे को कभी कभी, उन गलत अभ्यासों को हमें ठीक करना होता है। जब समझ में आ जाए कि ये गलत अभ्यास हैं तो उनको ठीक करना होता है, इसी का नाम पुरुषार्थ होता है। गलत अभ्यासों को ठीक करने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है वो पुरुषार्थ की शक्ति कही जाती है, और ठीक अभ्यासों को भी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ की शक्ति दो दिशा में काम करती है, ठीक अभ्यासों को और गति देने के लिए और गलत अभ्यासों को बदलने के लिए। यदि आपको थोड़ा कष्ट भी हो, एक सात दिन की बात है, कोई ज्यादा पूरी जीवन की कैद नहीं कर रहे हैं, मैं कैद उन लोगों के लिए प्रयोग कर रहा हूं जो बंधन महसूस कर रहे हैं, सबके लिए नहीं कह रहा हूं। आप में मतलब तीन तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक ऐसे लोग होते हैं किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा, जैसे बहुत ही ज्यादा आनंद ले रहे हैं, यहां पर ऐसे लोग भी होंगे, बहुत ही ज्यादा, यूं कहेंगे कि बस हमारे तो भाग्य खुल गए, भगवान ने बड़ी मेहरबानी की और ऑफिसर्स ने भी बड़ी मेहरबानी की, हमारा चुनाव किया, यहां पर हमें बुला लिया। भगवान का भी धन्यवाद कर रहे होंगे और अपने अधिकारियों का भी। और दूसरे बीच के होंगे, ठीक है भाई जैसा भी इनकी व्यवस्था थी ठीक है आ गए हैं, माने वो बीच की स्थिति वाले। और तीसरे कुछ को परेशानी भी हो रही होगी बहुत ही, तो यदि वे अपने मन को ऐसे समझा लें, मन को ऐसा समझा लें कि ये तो देखो लोग खर्चा कर करके स्वामी जी के पास आते हैं और यहां पर हमको सारा खाने पीने की सुविधा मिल रही है और कितना हमारे लिए सुबह से सायंकाल तक ज्ञान गंगा बहती है, जीवन जीने का ढंग हमें मिलता है, कितनी सारी चीजें, जैसे विदेशों में तो ऐसे जो कैंप होते हैं कितने डॉलर्स सैकड़ों डॉलर्स रोजाना खर्च करके और तब वो उनको मिलता है, माने ऐसे कोई सभा होती नहीं है, तो कितना पैसा खर्च करके और तब पैसा, तो आप पैसे आपके कट थोड़ी किए हैं, तनख्वाह तो मिल ही रही है ना आपको, तनख्वाह मिल रही है और साथ में अतिरिक्त आपको देखो ज्ञान मिल रहा है, समझ मिल रही है, एक अच्छे मानव बनने की कला सीखने को मिल रही है कि एक अच्छे मनुष्य आप बने, अच्छे मनुष्य की परिभाषा जाने कि अच्छा मनुष्य क्या होता है। तो मैं ये कह रहा था, यहीं पर आ जाओ, मैं कह रहा था कि जो कुछ आपको बताया जाए ना उनका ध्यान रखना। धर्म क्या होता है? धर्म मानी सहन करना, धर्म मानी क्षमा करना, धर्म मानी संयम करना, वाणी का संयम, अपने मन इंद्रियों का संयम, ये धर्म के अंतर्गत आता है। अपने आप को बुराई से रोकना ये धर्म के अंतर्गत आता है, अच्छाई में अपने आप को लगाना ये धर्म के अंतर्गत आता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये मोटी मोटी बात है। आपको पूछे कि धर्म की क्या परिभाषा है, तो आपको धर्म मानी सहन करना, धर्म मानी क्षमा करना, धर्म मानी अपनी इंद्रियों का संयम करना, धर्म मानी विवेक युक्त रहना, धर्म मानी क्रोध न करना, धर्म मानी लोभ न करना। कुछ चीजें करने की होती हैं, कुछ न करने की होती हैं। न करने के द्वारा भी धर्म को बताएंगे, जैसे लोभ न करना ये धर्म के अंतर्गत, क्रोध न करना ये धर्म के अंतर्गत, मोह अहंकार न करना ये धर्म के अंतर्गत आता है। तो जीवन में हमको धर्म चाहिए और धर्म पूर्वक ईमानदारी से मेहनत से जो हम पैसा कमाते हैं उसका नाम होता है अर्थ।
और बेईमानी के साथ अधर्म पूर्वक जो हम पैसा कमाते हैं उसका नाम होता है अनर्थ। धर्म पूर्वक पैसा कमाते हो तो इसका नाम अर्थ, और यदि बेईमानी के साथ या छीना झपटी के साथ यदि आप पैसा कमा भी लेते हैं तो उसका नाम अर्थ नहीं होता, उसका नाम होता है अनर्थ। अर्थ का अपोजिट अनर्थ। और धर्म पूर्वक किसी कामना को आप पूरा करते हो, आपकी इच्छा है और वो इच्छा धर्म पूर्वक यदि पूरी हो रही है तो उसको कहते हैं काम, और धर्म पूर्वक यदि इच्छा की पूर्ति नहीं होती, अधर्म पूर्वक यदि अपनी इच्छा पूरी करते हो तो उसको कहते हैं दुष्ट कामना।